हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, मैं हूं आकाश पटेल, आप देख रहे हैं यूनिक चिल्ड्रन मेकर सेल्फ यूनिक। कैसे हो आप लोग? दोस्तों, आज का जो वीडियो, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि स्टैट प्रो के अंदर कौन कौन से ऐसे टूल्स है, कौन कौन से ऐसे कमांड्स है जिनको हमें चलाना आना चाहिए, जिनके बारे में नॉलेज होना चाहिए, जो इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। गाइस, अगर अभी तक आप लोगों ने यूनिक सिविल ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो सबसे पहले यूनिक सिविल ऐप डाउनलोड करो, क्योंकि इसके अंदर ढेर सारे स्टडी मटेरियल्स आपको मिल जाएंगे और साथ ही साथ बहुत ढेर सारे प्रैक्टिस प्रोजेक्ट मिल जाएंगे जिनको आप ऑटो कैड स्टैट प्रो में प्रैक्टिस कर सकते हो। इसमें फ्री और पेड दोनों कंटेंट है, जो आपको पसंद आए वो आप उसको ले कर यूज कर सकते हैं। सो पहले आप लोग ऐप डाउनलोड करिए। चलिए, थैंक यू, अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे आप स्टैट प्रो को माइंड में रखते हो तो स्टैट प्रो का सबसे पहले आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए। इसका फुल फॉर्म होता है स्ट्रक्चरल एनालिसिस एंड डिजाइन प्रोग्राम। क्या? स्टैट प्रो स्ट्रक्चरल एनालिसिस एंड डिजाइन प्रोग्राम। बहुत लोग पूछते हैं इंटरव्यू में, कौन सी कंपनी ने बनाया? भाई, इसको बेंटली कंपनी ने बनाया। किसने बनाया? बेंटली कंपनी ने बनाया, इसको याद रखना। इसका फाइल फॉर्मेट क्या होता है? तो इसका फाइल फॉर्मेट होता है .std। क्या होता है? .std। जब ऑटोकैड से फाइल ले आते हैं यहाँ पर, तो कौन से वर्जन में इसको इंपोर्ट करना पड़ता है? तो उसको .dxf फॉर्मेट में इंपोर्ट करना पड़ता है। किसमें? .dxf। चलिए, तो ये तो बेसिक लेवल के क्वेश्चन जो आपसे पूछ लेते हैं। अब बात करते हैं इंटरमीडिएट के। इंटरमीडिएट में विंड एनालिसिस करने का प्रोसेस, पहले क्या करते हैं? डिफिनेशन लगाते हैं। डिफिनेशन के बाद क्या करते हैं? डेड लोड, लाइव लोड, सॉरी विंड लोड के चारों डायरेक्शन, उसके बाद डेड और लाइव और फिर लोड कॉम्बिनेशन, अर्थक्वेक लगाने का प्रोसेस, ये इंटरमीडिएट क्वेश्चन होते हैं। इसके अलावा आप रन स्ट्रक्चर विजार्ड कैसे ओपन करोगे, कहां पर होता है रन स्ट्रक्चर विजार्ड, तो उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अगर आपको एक साथ एक्स एक्सिस में वाई एक्सिस में सेलेक्ट करना है अपने बीम्स को और कॉलम्स को, तो कैसे सेलेक्ट करोगे? तो उसके स्पेशल टूल से आपको पता होना चाहिए। अगर दो बीम्स है, दो बीम्स को मर्ज करना है तो कैसे मर्ज करेंगे, ये पता होना चाहिए, मतलब हाउ टू यूज मर्ज कमांड। दो बीम को सेपरेट करना है, अलग अलग करना है, तो अलग सेपरेट करने की टूल कौन सी होती है, उसको किस तरीके से यूज करेंगे, ये पता होना चाहिए। आपका जो कभी कभी आप लोग लोड वगैरह लगाते होंगे तो लोड सही से दिखता नहीं है, खास तौर से फ्लो लोड में प्रॉब्लम आती है, तो 0.0.0 पर अपने प्रोजेक्ट को कैसे मूव करोगे, कैसे रखोगे 0.0.0 पे, जिससे को सही तरीके से वर्क कर सके, ये बेसिक लेवल पर क्वेश्चन पूछा जाता है, मतलब इंटरमीडिएट पे। इसके बाद पूछा जाता है सीयर वॉल की डिजाइन कैसे करोगे, तो सीयर वॉल में प्लेट लोड लेते हैं, मतलब प्लेट थिकनेस लेते हैं कि सरफेस थिकनेस लेते हैं, तो कई लोग कंफ्यूज रहते हैं, मैं आपको बता दूं सरफेस थिकनेस लेना चाहिए। जिसे सीयर वॉल के बारे में पूछेंगे तुरंत पूछ लेंगे, सीयर वॉल के बारे में और कुछ जानते हो क्या? तो आप बोलोगे सर और क्या, तो सीयर वॉल के टाइप्स, ठीक है, जैसे 6 टाइप्स आपको बताया मैंने, पहले एक वीडियो सेपरेट बताया हुआ है, वॉच कर लो सीयर वॉल के बारे में। उसके बाद सीयर वॉल की थिकनेस 150 से 400 mm तक, इसके बारे में क्वेश्चन, कहां से स्टार्ट होता है, फाउंडेशन से थ्रू आउट द बिल्डिंग हाइट, ये पता होना चाहिए आपको। तो ये कुछ कॉमन क्वेश्चन है जो आपको स्टैट प्रो में सीयर वॉल से रिलेटेड आने ही आने चाहिए। अब जैसे सीयर वॉल आपका टॉपिक खत्म होता है, तुरंत जैसे हमने विंड पूछा था ना, विंड को कैसे मैन्युअली कैलकुलेट करेंगे, तो वीवी K1 K2 K3 क्या है, K1 क्या है, K2 क्या है, K3 क्या है, इसके बारे में डीप नॉलेज। उसके बाद आपका जैसे ही सेस्मिक आता है, सेस्मिक में कितने सेस्मिक जोन है इंडिया में, तो इनमें इंडिया में सपोज 4 सेस्मिक जोन है, वैसे तो जोन 2, 3, 4, 5, इनके फैक्टर क्या क्या है, 0.10, 0.16, 0.24, 0.36, तो ये आपको पता है क्या? क्यों इसे पता चला ना कि आपका जनरल कितना स्ट्रांग है, सपोर्ट कैसे लगाएंगे, फिक्स सपोर्ट कैसे लगाते हैं, फिक्स बट क्या है, ये रोलर क्या होता है, हिंज क्या होता है, ये किस तरीके से असाइन करते हैं, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। एक्सियल फोर्स कैसे देखते हैं, आपको आता है क्या, अगर आता है तो परफेक्ट है, नहीं आता तो गलत है। शियर फोर्स कैसे देखते हैं, बेंडिंग मोमेंट कैसे देखते हैं, डिफ्लेक्शन कैसे देखते हैं, आता है क्या? अगर आता है तो बहुत अच्छी बात, नहीं आता तो भाई दाल में कुछ काला है। ओके, अब इसके बाद आप जो मटेरियल प्रोवाइड करते हो, कभी कभी कॉलम प्रोवाइड करते हो 230x650 का, अब उसका बेटा एंगल कैसे चेंज करेंगे, मतलब कॉलम का ओरिएंटेशन कैसे चेंज करेंगे, आता है क्या? अगर आता है तो ठीक है, नहीं आता तो गड़बड़ है। तो ये क्वेश्चंस थे जो कि इंटरमीडिएट लेवल पे पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं एडवांस लेवल पे। एडवांस लेवल पे आपसे वार्निंग के बारे में डिस्कस करते हैं। डेंसिटी नॉट प्रोवाइडेड, क्या वार्निंग है? इसका मतलब आपका जो डेंसिटी हो प्रोवाइड नहीं हुआ है बीम कॉलम पे, तो उसके जो साइजेस आपने प्रोवाइड किए हैं या नहीं किए हैं उनको फिर से करो, किए हैं तो डिलीट करके फिर से असाइन कर दो, तो सॉल्व हो जाता है।
इलेक्ट्रिसिटी नॉट प्रोवाइडेड, मतलब आपने मटेरियल नहीं प्रोवाइड किया, इस तरह की वार्निंग्स रहती है। वन और टू लाइन्स आर टू वीक, बहुत बड़ी लाइनें हो गई हैं, तो उनको कैसे सॉल्व करेंगे, उसके लिए स्टैट एडिटर में करना पड़ता है। जिसने पढ़ा होगा, मैंने बड़ा प्रोसेस है, मैंने क्लासेस में बताया हुआ है। तो आपका इस तरीके की जो वार्निंग्स आती है, इनको कैसे फिक्स करेंगे, आप जब अर्थक्वेक लगाते हो, अर्थक्वेक में वार्निंग्स आती है, उनको वार्निंग्स को कैसे सॉल्व करेंगे। ये वार्निंग जो होता है ना, ये हाई लेवल की चीज है भाई, ठीक है। क्यों, एक एक प्रोजेक्ट में 40-40, 50-50, मेरे को कल एक बच्चे ने वार्निंग भेजा था, उसके 80 वार्निंग्स है। आज देखेंगे क्या वार्निंग्स है, उसको सॉल्व करके बताएंगे। तो कुल मिला के ये बड़ी बड़ी चीजें हैं। तो ये आपको आता है क्या वार्निंग? अगर आता है बहुत अच्छी बात, नहीं आता तो जानिए स्टैट एडिटर के अंदर वार्निंग कैसे फिक्स करते हैं, मैंने तो अर्थक्वेक वगैरह के लिए बताया हुआ है। तो आप वार्निंग को सॉल्व करना आना चाहिए आपको। डायनेमिक एनालिसिस ज्यादा तो नहीं, पर थोड़ा बहुत तो पूछते हैं स्टैट प्रो में भी, कि रिस्पॉन्स स्ट्रक्चर एनालिसिस किस तरीके से करोगे, ठीक है, थोड़ा बहुत मूविंग लोड कैसे लगाओगे, इसके बारे में क्वेश्चन पूछ लेते हैं आपसे। ये FEM मेथड क्या होता है भाई, जिस लैम्प को हम लोग एनालिसिस करते हैं, FEM मेथड क्या होता है, फाइनाइट एलिमेंट मेथड, इसको एक्सप्लेन करो, इसके बारे में जानो, ये आपसे पूछते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है। बट जनरल आपको एटलीस्ट इसका आइडिया होना चाहिए कि क्या होता है इसके अंदर, इसके बारे में। स्टेट फाउंडेशन के बारे में पता होना चाहिए, स्टेट फाउंडेशन में कौन कौन से टाइप्स के फुटिंग का डिजाइन कर सकते हो, इसका नॉलेज होना चाहिए आपको। कैसे आप आरसी कैट डिजाइनर, सॉरी क्या नाम उसका, कंक्रीट डिजाइनर, मतलब जिसको आरसी डिजाइनर बोलते हैं, स्टेट्रो के अंदर जो रहता है, उसके अंदर कैसे सैगिंग फॉगिंग देखेंगे, कब वो सेफ है कब सेफ नहीं है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उसमें दिखाता है ना ग्रीन कलर से, मतलब वो क्या है, वो सारे के सारे सेफ है। ब्लैक कलर दिखा देता है, मतलब वो फेल हो रहे हैं वहां पर। एक्सियल फोर्स कैसे देखेंगे, उसके ऊपर शियर स्ट्रेस कितना आ रहा है वो कैसे देखेंगे, कॉलम का सेक्शन कैसे कट करेंगे, सब आरसी डिजाइनर जिसने चलाया होगा उसको सबको पता होगा। हम ये मान के चल रहे हैं आपने आरसी डिजाइनर सीखा है, उसके हिसाब से आपको बताया जा रहा है। तो उसमें आप किस तरीके से सेक्शन कट करोगे, ये आपको पता होना चाहिए, सेक्शन प्रॉपर, अच्छा यहाँ से कट करेंगे तो रेनफोर्समेंट कैसे दिख रहा है। टॉप पे कितने बार रिपोर्ट होता है ना, रिपोर्ट, कई लोग रिपोर्ट पढ़ नहीं पाते भाई, गड़बड़ है। रिपोर्ट पढ़ना आना चाहिए कि उसमें टॉप में कितने रीबार दे रहा है, बॉटम में कितना रीबार दे रहा है, स्पेसिंग्स कितना मांग रहा है। कॉलम दिया है तो कॉलम में जो स्टील है, स्टील का परसेंटेज कितना बताया जा रहा है। सपोज स्टील का परसेंटेज 0.67 है, गलत है, 0.8 मिनिमम होना चाहिए, मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, स्टील को बढ़ाना पड़ेगा। तो स्टील को कैसे बढ़ाओगे, आप तो जाओगे ना इसके अंदर डाटा ऐड करने। तो जैसे आप मेंबर का साइज छोटा करोगे, कंक्रीट का साइज छोटा करोगे, स्टील का परसेंटेज बढ़ जाएगा। कभी कभी आएगा स्टील मैक्सिमम परसेंटेज एक्सीड, मतलब स्टील ज्यादा हो गया, तो क्या करो, कंक्रीट के साइज को बढ़ा दो, अपने आप स्टील कम हो जाएगा। जब स्टील कम हो तो अगर बढ़ाना हो स्टील को तो कंक्रीट के साइज को कम कर दो। इस तरीके से आपको इसमें एडवांस लेवल पे क्वेश्चन स्टैट प्रो पूछे जाते हैं। और स्टैट प्रो अगर आपको आता है तो उसके फाइनल रिपोर्ट को कैसे बनाएंगे, उसके अंदर नंबर ऑफ बीम्स कितने थे, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेते हैं आपसे। तो ये थे कुछ कॉमन क्वेश्चन जो कि इंटरव्यू में पूछते ही पूछते हैं, आपको इतना नॉलेज होना चाहिए। बाकी आप और अलग अलग वार्निंग्स और अलग अलग एरर्स आ गए तो उनको कैसे फिक्स करेंगे, एरर और वार्निंग पर ध्यान देना, क्योंकि इंटरव्यू में यही में प्रॉब्लम हो जाती है, एरर आ जाते हैं, वार्निंग्स आ जाते हैं, तो इश्यूज बनते हैं, ठीक है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। ये स्ट्रक्चर का एपिसोड ऐसे चलते रहे, इसके लिए ढेर सारा प्यार दीजिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत। अगर आप लोग का ऐसे ही सपोर्ट रहा तो आगे हम और बड़ी वीडियो बनाएंगे, क्योंकि मुझे कम से कम 20 मिनट लगता है एक टॉपिक को पूरा एक्सप्लेन करने में। तो 20 मिनट यूट्यूब पे मैं देखता हूँ, लोग बहुत जल्दी उनका पेशेंस लेवल कमजोर हो जाता है, आप लोग तो यहाँ तक आए, बाकी लोग पहले ही नमस्ते बजाते हैं, तो इसलिए नहीं बन पाता है। बट ऐसा रिस्पॉन्स रहा तो जरूर बनेगा। चलिए जय हिंद जय भारत।